पिस्टन के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। ये गाड़ी के लीनियर मोशन को फ्लाईव्हील के रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है। अगर आपने पिस्टन को बड़े नजदीक से देखा है तो उसपे कुछ इस प्रकार से स्लॉट्स बने रहते हैं, जिनमें कुछ ऐसे ओ रिंग्स को बिठाया जाता है जिन्हें पिस्टन रिंग्स कहते हैं। पर आखिर क्यों ऐसा अरेंजमेंट पिस्टन में किया जाता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये पिस्टन रिंग्स असल में पूरे रिंग्स नहीं होते हैं और इनका डिजाइन कुछ इस प्रकार से रहता है। शायद आज तक आपको पता हो कि ये रबर से बने रहते हैं, लेकिन असल में ये माइल्ड स्टील से बने रहते हैं। हर एक पिस्टन पर कुल 3 ग्रूव्स बने रहते हैं जिन्हें रिंग ग्रूव्स कहते हैं। सबसे ऊपर मौजूद इस रिंग को कहते हैं कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग हमेशा पिस्टन हेड के पास लगाया जाता है, जिसका काम है कंबशन गैसेस को सील करना। आपको ये पता है कि इंजन चलते वक्त कुल 4 स्ट्रोक्स पैदा होते हैं, जिसमें से हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। अगर इस सिस्टम में कुछ भी लीकेज हो जाए तो पूरा इंजन फेल हो जाएगा। इसलिए कंबशन गैसेस को सील करने के लिए यानी अंदर ही बनाए रखने के लिए कंप्रेशन रिंग का उपयोग करते हैं। नीचे आते हुए इसे कहते हैं वाइपर रिंग। लेकिन इसे जानने से पहले हम तीसरे रिंग को जानते हैं, जिसे कहते हैं ऑयल रिंग। पिस्टन जब ऊपर नीचे जाता है तब फ्रिक्शन तो जरूर होगा, और फ्रिक्शन का बाय प्रोडक्ट है हीट। इसके लिए सिलेंडर ब्लॉक को लुब्रिकेट यानी ठंडा करने के लिए ऑयल रिंग का उपयोग करते हैं। इस रिंग को कनेक्टिंग रॉड के सबसे नजदीक लगाया जाता है। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ऑयल रिंग ग्रूव में एक होल बना रहता है, जिसे कहते हैं ऑयल रिटर्न होल। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है, तब क्रैंकशाफ्ट में मौजूद काइनेटिक एनर्जी के चलते ऑयल इस ऑयल रिटर्न होल से बाहर निकलती है। ऑयल जैसे जैसे बाहर निकलती है, वैसे वैसे ऑयल रिंग सिलेंडर को लुब्रिकेट करता जाता है। तो ये है ऑयल रिंग का सबसे पहला और जरूरी काम। दूसरा काम ये है कि पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, तो वो सिलेंडर पे लगी ऑयल को खींचकर वापस क्रैंक केस में डालता है। अब आप लोग कहेंगे कि ऑयल को सिलेंडर पे वापस क्यों लाना है, वैसे भी तो रख सकते हैं, क्योंकि लुब्रिकेशन से हीट भी कम हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए। लेकिन आप इंजन का प्राइमरी फंक्शन भूल रहे हैं, जो कि है ऊर्जा उत्पन्न करना। समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ। इंजन के अंदर इनटेक स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है और कंप्रेस होता है। इसके बाद इंजन में फायरिंग होती है और हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। इनटेक स्ट्रोक में इंजन में पर्याप्त मात्रा में ही मिक्सचर अंदर लिया जाता है, जिसे इंजन की सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी कहते हैं। हाँ, आपने इसके बारे में सुना ही रहेगा। इंजन सीसी से ज्यादा मात्रा में ईंधन को सिलेंडर के अंदर खींचना नामुमकिन है, जिसे कहते हैं इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम। अब यदि सिलेंडर में ऑयल मौजूद रही तो वो भी ईंधन के साथ कंप्रेस होगी। अब ये तो आप जानते हैं कि ऑयल आग पकड़ती है, तो जब कंप्रेशन के बाद फायरिंग स्ट्रोक होगा तो ईंधन के साथ ऑयल भी जलेगी, जिससे इंजन के अंदर जरूरत से ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिससे इंजन ब्लॉक डैमेज हो जाएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर में ऑयल रहने से हुआ नतीजा है। अब एक ऑयल रिंग पूरी ऑयल को सिलेंडर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि उस पे पहले से ही ऑयल लगी रहती है। इसके लिए वाइपर रिंग का उपयोग किया जाता है, जिसे दूसरे पिस्टन ग्रूव में लगाया जाता है। इसका काम ये है कि ऑयल जितनी ज्यादा हो सके उतनी सिलेंडर से निकालना। तो ये है पिस्टन रिंग्स और इंजन में उनका काम। आप ये समझे कि इंजन में एक स्क्रू भी बिना कारण नहीं लगाया जाता है। इंजन में हर एक पार्ट का उतना ही महत्व है जितना आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने से है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।